हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 4 फरवरी 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे देख पहले हम देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस और फिर हम चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आईएनएस कुहासा को लेके। आईएनएस कुहासा को लेके आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही है। पहला स्टेटमेंट ये है कि आईएनएस कुहासा को यह नाम है वो एक्चुअली व्हाइट बेल सी एगल यानी कि जो सफेद पेट वाली समुद्री बाज है उसके नाम पे दिया गया है। जो व्हाइट बेल्ड सी ईगल है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एरिया में पाया जाता है जो कि वहाँ का एक बड़ा शिकारी पक्षी है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है एनएएस जयपुर को 2001 में साउथ अंडमान में निगरानी के लिए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग एयरबेस की निगरानी के लिए स्थापित है वो क्या कहता। मतलब दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि आईएएस जो सिपुर है उसको 2001 में साउथ अंडमान की निगरानी के लिए स्थापित है वो क्या कहता, फॉरवर्ड ऑपरेशन एयरबेस के तौर पर। तो अब हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आप एक बार सोचिए कि अभी हमने इसको 2-3 दिन पहले डिस्कस है वो किया है आईएनएस कुहासा के बारे में। देखो, आप पहला स्टेटमेंट की बात करें तो डायरेक्टली बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट सही है कि आईएनएस कुहासा का जो नाम है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक बाज या ईगल की स्पीसीज प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है व्हाइट बेल्ड सी ईगल, उसके नाम पर रखा गया है। ये तो होगा बिल्कुल सही। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट की। अब एक बार दूसरे स्टेटमेंट को थोड़ा गौर से पढ़िए। देखो, दूसरे स्टेटमेंट में गलती कहाँ पे है ये देखिए। दूसरे स्टेटमेंट में गलती है साउथ अंडमान, ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि जो आईएनएस कुहासा है वो नॉर्थ अंडमान की सिक्योरिटी के लिए स्थापित किया गया है ना कि साउथ अंडमान के लिए। तो यूपीएससी ऐसे ही आजकल काफ़ी बारीक से क्वेश्चन है वो पूछने की कोशिश करती है और यहीं पर हमें ध्यान रखना है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है बांदीपुर नेशनल पार्क के बारे में। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि बांदीपुर नेशनल पार्क है वो कर्नाटक में है। दूसरा स्टेटमेंट ये दिया गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में इसे नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व है वो घोषित किया गया है। और तीसरा स्टेटमेंट ये है कि पार्क है उसके उत्तर में काबिनी रिवर बहती है और दक्षिण में मोयार रिवर बहती है और बीच इसके बीचों बीच से वो नुगुर रिवर है वो बहता। चौथा स्टेटमेंट वो दिया गया है कि इसके निकटवर्ती है वो नागरहोल नेशनल पार्क है, मुदुमलाई नेशनल पार्क है और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये सारी चीज़ें वो हिस्सा है। और यहाँ पर फिर ये कह रहा है कि दक्षिण भारत में सबसे बड़ा जो रिजर्व एरिया है वो है नीलगिरी फॉरेस्ट वाला एरिया और इसमें दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा हम बोले तो साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा जंगली हाथी हैं वो पाए जाते हैं। तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो देखो, हम बात करें यहाँ पे बांदीपुर नेशनल पार्क के बारे में तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है और चौथा भी यहाँ पे सही है। मतलब चारों के सारों स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है सी ऑफ अजो को लेके। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सी ऑफ अजोव है इसके नॉर्थ और वेस्ट एरिया में यूक्रेन स्टेट है और इसके ईस्ट साइड है वो है यहाँ पे रसिया। ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि डॉन और जो कुबन रिवर है वो इसी में अजोव रिवर में गिरने वाली अजोव सी में गिरने वाली मेजर नदियाँ हैं। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि सी ऑफ अजोव है वो स्लोस्ट सी इन वर्ल्ड है, मतलब वो उथला हुआ है, मतलब विश्व में सबसे उथला हुआ जो महासागर या सी है वो यहाँ पे बताया गया है कि सी ऑफ अजो है वो सबसे उथला हुआ है। तो देखो, हम बात करें सी ऑफ अजो के बारे में, ये सारे के सारे स्टेटमेंट ही सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ये आप सी ऑफ अजो की लोकेशन देख सकते हो। और ये देखो, इसके हम बात करें इस वाले एरिया में नॉर्थ और वेस्ट वाले एरिया में यहाँ पे यूक्रेन है, ये यूक्रेन में आता, ये यूक्रेन कंट्री है, यहाँ पे भी यूक्रेन है। और इसके हम बात करें इस वाले एरिया में मतलब ईस्टर्न वाला जो एरिया है यहाँ पे कौन सी कंट्री है, यहाँ पे है रसिया। और ये जो सी ऑफ अजो हुआ है इसका तल काफ़ी उथला हुआ है, इसकी गहराई बहुत कम है, तो इसलिए तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है वो हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें देखते हैं स्टेटमेंट। उसमें दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ये है कि इट इज़, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा नेशनल पार्क वगैरह है। देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर है वो आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। पहला स्टेटमेंट ये है कि इट इज कंट्रीज ओनली रिजर्व टू हैव 4 बिकेट स्पीसीज, मतलब वहाँ पे बिकेट की 4 स्पीसीज पाई जाती हैं। यह कौन सा नेशनल रिजर्व है? पहला यहाँ पे स्पीसीज दी गई है टाइगर, दूसरा लियोपर्ड, तीसरा क्लाउड और चौथा यहाँ पे दिया गया स्नो लेपर्ड्स। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इट फॉल्स अंडर द बोथ द पेलियार्टिक एंड इंडो मालियल बायोग्राफिक एरिया, मतलब ये जो नेशनल पार्क है ये पेलियार्टिक और इंडो जो मेल बायोग्राफिक एरिया है उनके बीचों बीच में पाया जाता है। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि देखो कौन सा यहाँ पे सही है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है मानस नेशनल पार्क,
दूसरा ऑप्शन दिया गया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, तीसरा दिया गया है यहाँ पे नामदफा, चौथा दिया गया है नोरकेक नेशनल पार्क। तो देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर अटेम्प्ट है वो करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जी सेट 11 को लेके। पहला स्टेटमेंट यह है कि जी सेट 11 है वो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि इट इज इंडियाज हेवीएस्ट सेटेलाइट, मतलब यह इंडिया का सबसे भारी उपग्रह है। तीसरा स्टेटमेंट यह है कि इसे पीएसएलवी C-44 से लॉन्च है वो किया गया था। अब आप एक बार सोच के देखिए थोड़ा दिमाग लगा के इसके बारे में। देखो जी सेट जो 11 है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट नहीं है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट वो इतने भारी नहीं होते, जो सबसे हेवी सेटेलाइट होते हैं वो होते हैं कम्युनिकेशन सेटेलाइट। इसका मतलब पहला और दूसरा स्टेटमेंट है वो दोनों एक दूसरे में मतलब कहीं ना कहीं अपोजिट हो रहे हैं, मतलब दोनों में से एक एक ही स्टेटमेंट है वो ऑब्वियसली सही होने वाला है। तो देखो पहला स्टेटमेंट साफ साफ गलत है, क्योंकि जो जी सेट 11 है वो कम्युनिकेशन सेटेलाइट है ना कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट, और ये इंडिया का सबसे हेवी सेटेलाइट है अभी तक का, और इसे लॉन्च किया गया है एक्चुअली इंडिया के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए, ये इंडिया ने थर्ड पार्टी के थ्रू लॉन्च है वो करवाया था। तो इसका मतलब यहाँ पे ओनली और ओनली अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट होता है, पहला और तीसरा दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे सॉरी डेट्स के बारे में डिस्कशन दी गई है कि इसे जैसे मैंने आपको बता दिया कि मेनली फ्रेंच गुयाना के द्वारा एक लॉन्च है वो क्या, तो यूपीएससी ऐसे तो नहीं पूछेगी कि इसके द्वारा लॉन्च किया गया था, वेट वगैरह भी नहीं पूछेगी, बट थोड़ा हमें ध्यान में रखना है कि कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, कम्युनिकेशन सेटेलाइट है वो सबसे भारी होते हैं और इनका काम क्या है, ये कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यूज है वो होंगे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। तो है क्या इसके बारे में देखते हैं। देखो इस साल के बजट में आपको पता है कि अभी अंतरिम बजट है वो पेश किया गया है, क्यों, क्योंकि इस साल इलेक्शन होने वाले हैं इसलिए पूरा बजट पेश नहीं किया गया है। जिस साल इलेक्शन होते हैं उस साल नॉर्मली अंतरिम बजट ही पेश है वो किया जाता है, मतलब अंतरिम बजट ये उसे बोलते हैं जिसमें काफ़ी बड़ी मेजर स्कीम्स या काफ़ी बड़े चेंजेस हैं वो नहीं किए जाते हैं। तो इस बार के बजट में बेसिकली दो तीन स्कीम्स आई हैं तो उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे, बाकी देखो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं बजट के उनको हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बार में अगर डिस्कस करेंगे तो काफ़ी सारे पॉइंट्स रह भी सकते हैं। तो अगर हम डेली क्वेश्चंस की फॉर्म में ऐसे के दो दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे ताकि हमारा बजट है उसका लोड भी ना हो और हम उसे आराम से कवर है वो कर सकें। तो देखो जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है ये स्कीम लाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या रखा जाएगा, इसमें हमारे देश के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब जो और सेक्टर वो अनऑर्गेनाइज है, रजिस्टर्ड या इनफॉर्मल सेक्टर हम बोल सकते हैं, उस सेक्टर में जो वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी 15,000 से कम है उन वर्कर्स को इसका फायदा है वो मिलने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है, जिन वर्कर्स की सैलरी 15,000 से कम है और इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको इस स्कीम का फायदा होने वाला है। होगा क्या, इस स्कीम में उनको मंथली पेंशन है वो दी जाएगी, मतलब अगर वो 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद उनको पेंशन से वो दी जाएगी 3,000 रुपये से जितना वो एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि देखो पहले जब वो जवान होंगे जिस टाइम पे उन लोग नौकरी कर रहे होंगे उस टाइम पे वो कुछ पैसा है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाते रहेंगे धीरे 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 धीरे, फिर गवर्नमेंट उसी पैसे के हिसाब से उनको मंथली पेंशन है वो प्रोवाइड करवाएगी 60 साल की बात। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट रखा गया है कि जब वो वर्किंग एज में होंगे उस दौरान वो थोड़ा स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन अफोर्डेबल जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से वो पैसा डिपॉजिट करवाएंगे गवर्नमेंट के पास, और फिर गवर्नमेंट उनको कम से कम 3,000 रुपये की मंथली पेंशन के आधार पर पेंशन है वो प्रोवाइड करवा जाएगी। तो देखो इसमें ये रखा गया है जैसे कि 100 रुपये पर मंथ है, अगर जिनकी एज 29 साल है उनको 100 रुपये पर मंथ है और 60 साल तक उनको देने होंगे, और जो ही उन 60 साल उनकी कंप्लीट हो जाएंगे वो रिटायर हो जाएंगे एक तरीके से, उसके बाद उनको 1500 रुपये सॉरी जो 3,000 रुपये हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और ये जो पेंशन योजना है ये 18 ईयर्स के लिए, मतलब 18 साल तक उनको पेंशन है वो यहाँ पे दी जाएगी। ये आपको ध्यान है वो रखना है कि जो वर्कर है वो 18 साल से स्कीम को ज्वाइन है वो कर सकता है, और वो 55 रुपये पर मंथ भी एक तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखो अगर वर्कर की एज 29 साल है और उसके बाद वो ज्वाइन कर रहा है तो उसको देने होंगे 100-100 रुपये जमा करवाने होंगे 60 साल तक, और 60 साल के बाद उसको 3,000 रुपये की पेंशन मिलती रहेगी। और अगर वर्कर 18 साल का ही हुआ है 18 से 19 साल का है तो उसको हर महीने 55 रुपये देने होंगे और उसके बाद उसको 3,000 रुपये की पेंशन है वो मिलेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हमारे देश में किसी यूनिवर्सल बेसिक इनकम के कॉन्सेप्ट पे कुछ वैसा प्रयास किया गया है ताकि जो सोसाइटी से पिछड़ा जो वर्ग रह गया है या फिर जो इनफॉर्मल सेक्टर है जो इसको हम बात कर रहे थे कि जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन को काफ़ी इफेक्ट हुआ है, उन वर्कर्स की हालत सुधारने के लिए उनकी जो इनकम है उसको बढ़ाने के लिए स्टेप है वो उठाया गया है। तो
ये आपको आर्टिकल ध्यान रखना। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को लेकर। क्या है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को लेकर, वो हम देखते हैं। कंटेक्स्ट अभी यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ना, उसने अभी एक सर्वे किया इंडिया में। किस लिए? हमारे देश में आपको पता है अभी बजट है वो रिलीज हुआ था, तो इसके साथ स्टेट है उन्होंने भी अपना बजट जारी किया, और उसी को लेकर स्टेट ने भी जो बजट फॉर्मुलेशन लेके आए थे उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सर्वे है वो किया है। तो पहले तो इस सर्वे के कुछ फैक्ट देखते हैं, फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में। देखो ये जो सर्वे कंडक्ट किया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, ये चार पैरामीटर के आधार पे किया गया है। पहला पैरामीटर यहाँ पे ये है कि जो पब्लिक डिस्क्लोज यहाँ पे फोकस किया गया है। दूसरा यहाँ पे किया गया है बजटरी प्रोसेस, की बजट की प्रोसेस है वो कैसी रही है। तीसरा है यहाँ पे पोस्ट बजट फिस्कल मैनेजमेंट, और यहाँ पे बाद में चौथा है वो यहाँ पे बात की गई है कि जो अफोर्ड टू मेक द बजट मोर ट्रांसपेरेंट, मतलब बजट है उसमें पारदर्शिता काफी अच्छी होनी चाहिए और सिटीजन्स के फ्रेंडली वो बजट है वो होना चाहिए। तो इन चार पैरामीटर के आधार पे अब हम बात करते हैं कि इंडिया के बजट के बारे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने क्या फॉर्मुलेशन या क्या अपने डाटा है, क्या अपने उम्मीद है, प्रिडिक्शन है वो यहाँ पे पेश की है। देखो इसमें यह चीज सामने आई है कि हमारे देश में जो आसाम स्टेट है उसके द्वारा बजट को लेकर काफी अच्छे स्टेप उठाए गए हैं, क्योंकि आसाम गवर्नमेंट ने काफी सारे तो कैंपेन चलाए थे अपने स्टेट में। जब बजट उन्होंने रिलीज किया तो उन्होंने काफी सारे कैंपेन चलाए, वहां पे 17 डिस्ट्रिक्ट हैं, और उसमें उन्होंने बजट अवेयरनेस कैंपेन चलाए ताकि लोगों को पता चले कि बजट है क्या, इसमें किस किन चीजों पर फोकस किया गया है और उनको क्या क्या फायदे होने वाले हैं, सारी चीजों को उनको डिस्कस है वो किया गया। नहीं नॉर्मली होता क्या है, बजट पेश कर दिया जाता है राज्य स्टेट के द्वारा और उसके बारे में न्यूज़पेपर में एक दो प्रिंट छप जाते हैं, बस इतना ही होता है। लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या तो बजट है, क्या इसके फायदे हैं, क्या क्या इसमें कमी है। तो उसके लिए कैंपेन प्रोग्राम है वो भी यहां पे चलाए गए, तो ये आसाम गवर्नमेंट के द्वारा काफी अच्छा स्टेप है वो उठाया गया। मतलब हमारे देश में आसाम गवर्नमेंट ने बजट के बारे में सभी लोगों को अवेयर करवाया है, उनके द्वारा बहुत अच्छा स्टेप उठाया गया है। इसके बाद में आंध्र प्रदेश ने भी अच्छा स्टेप उठाया है और उड़ीसा के द्वारा भी अच्छे स्टेप है वो उठाए गए हैं। और मेघालय, मणिपुर और पंजाब है, उन्होंने एक्चुअली बजट को लेकर कोई अच्छा काम नहीं किया है। अच्छा काम का मतलब यहाँ पे है कि उन्होंने बजट के लिए लोगों को अवेयरनेस को लेकर कोई भी अच्छा स्टेप नहीं उठाया, तो ये इसमें डाटा है वो दिया गया है। अब हम देखते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में। देखो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है वो एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर हुआ है जर्मनी के बर्लिन में। इसे 1993 में डेवलप है वो किया गया था, इसको निर्माण है वो किया गया था, और इसका उस टाइम पे काम ये था कि भाई जो भी करप्शन होता है उसके अगेंस्ट ये लड़ेगा। मतलब देश में करप्शन है उसके अगेंस्ट पारदर्शिता लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इसका निर्माण है वो किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो पब्लिश किया जाता है। और इस बार इंडिया की आप ये बताइए कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की क्या हालत रही है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का इस बार स्कोर है वो क्या रहा है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है यहाँ पे वो आया है इनसेटेक्स को लेके। देखो इनसेटेक्स है क्या, इनसेटेक्स की फुल फॉर्म है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज। अब हम थोड़ा बैकग्राउंड के साथ चलते हैं। देखो आपको पता है कि ईरान और यूएसए है, इन दोनों के बिल्कुल नहीं बनती है, दोनों में 36 का आंकड़ा है, मतलब दोनों में काफ़ी टकरार है। और यूएसए ने तो ईरान पे काफ़ी सारे सैंक्शंस भी लगा रखे हैं, आपको हमने काफ़ी बार डिस्कस भी किया था इसके बारे में आर्टिकल में भी कि यूएसए ने ईरान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए या उन्होंने ट्रीटी को फॉलो नहीं करने के आरोप पर काफ़ी सारे एक तरीके से सैंक्शन वगैरह लगा रखे हैं। जबकि हमने ये भी डिस्कस किया था कि वो कंट्री P5+1 वो P5+ जो कंट्री जिन्होंने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन की थी उनमें से यूएसए को छोड़ के जो बाकी 5 कंट्री हैं उन्होंने ये कहा कि भाई ईरान ने सारी कंडीशन को फुलफिल किया है, यूएसए पागल हो गया है, यूएसए ऐसे ही जानबूझ के अपनी मनमर्जी के हिसाब से ईरान पे सैंक्शन है वो लगा रहा है। मतलब यूएसए ईरान को जानबूझ के आइसोलेट है वो करना चाहता है। इसलिए यूएसए ने जब ईरान पे सैंक्शन लगाए कि भाई कोई भी कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं करेगी वगैरह वगैरह, तो क्या हुआ जो P5 कंट्रीज थी या फिर जो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज थी उन्होंने कहा कि भाई हम तो ट्रेड करेंगे क्योंकि ईरान ने कोई भी गलती नहीं की है, ईरान ने जो न्यूक्लियर डील में जो वादे किए थे उनको सारे को फुलफिल कर रहा है, इसलिए हम उसके साथ ट्रेड करना नहीं छोड़ेंगे, अगर आपको नहीं करना तो आप मत करो। तो ये ध्यान रखना उसके लिए अभी इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज, मतलब ईरान के साथ ट्रेड है इसको कंटिन्यू और स्मूथली चला जा सके, इसके लिए यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं उन्होंने ये एक तरीके से एक हम बोले कि एक मैकेनिज्म है पेमेंट की उसको डेवलप है वो किया है। अब इसके फायदे क्या होंगे, इसके फायदे को एक तो ये होंगे कि यूरोपियन यूनियन और ईरान के बीच में ट्रेड है वो स्मूथली हो सकेगा, कोई भी उनको इश्यूज नहीं होगा, कोई सैंक्शन वगैरह का झंझट नहीं है। इसके साथ ही ये एक तरीके से जो रजिस्टर किया गया है जो इंटेक्स इंस्ट्रूमेंट है ये जो लेटर एक तरीके का ये रजिस्टर किया गया है पेरिस में, तो ये तो आपको रटने की जरूरत नहीं कहाँ पे इसको रजिस्टर वगैरह किया गया है। ये आपको ये ध्यान रखना जो इंसेट्स है
INSTEX, ये अभी रिसेंटली ईरान ने यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के साथ साइन किया है ताकि जो यूरो यूएस के द्वारा जो सेंक्शन लगाए जा सके थे उनका कोई इफेक्ट ना पड़े और यूएस के अलावा जो बाकी P5 कंट्रीज थी वो आराम से साइन एक तरीके से ट्रेड है वो कर सकें किसके साथ, ईरान के साथ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें फ्रांस की गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप उठाए हैं, जर्मनी की गवर्नमेंट है और ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, उन्होंने काफ़ी सारा सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाया है यहाँ पे। और इसी के साथ ही कोई भी सेंक्शन नहीं लगाया जाएगा ईरान पे और कोई भी ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस होता है, कोई भी इशूज होता है तो उस कंडीशन में वो ईरान की सपोर्ट है वो करेंगे, मेडिकल फूड और जो भी उनको मेडिकल डिवाइस वगैरह की जरूरत है वो होगी। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये भी देखो इस बार के बजट में स्कीम है वो आई थी प्रधानमंत्री किसान के नाम से, पीएम किसान। देखो ये जो स्कीम है इसका मेन मोटो ये रखा गया था कि हमारे देश में जो किसानों की हालत है उसको अगर इम्प्रूव करना है तो किसानों के पास कुछ ना कुछ तो पैसा एटलीस्ट जाना चाहिए। और आपको पता है गवर्नमेंट का टारगेट रखा गया था कि भाई 2022 तक किसानों की जो इनकम है उसको डबल करना है। अब अगर आप इनकम डबल करना चाहते हो तो कुछ ना कुछ तो स्टेप उठाने होंगे और उसके लिए प्रधानमंत्री किसान स्कीम है वो लाई गई है। इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि हमारे देश के जो स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर मतलब जो छोटे और जो गरीब किसान है जो जिनके पास खेत काफी कम है उनको सपोर्ट है वो दिया जाएगा। किस फॉर्म में, जिन इसमें देखो कंडीशन ये रखी गई है कि वो फार्मर या वो किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है उनको एक्चुअली डायरेक्ट है उनके अकाउंट में 6,000 रुपए दिए जाएंगे 3 इंस्टॉलेशन में, मतलब 2,000 की फॉर्म में उनको साल में 3 बार 6,000 रुपए हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि वो अपनी खेती बाड़ी और अपना जो डेली का जुगाड़ एक तरीके से खेती के लिए बीज वगैरह वो अरेंज है वो कर सकें। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तर्ज पे ही किसानों की हालत को सुधारने के लिए इनिशिएटिव है वो लिया गया है। इसमें क्या होगा, हर फार्मर के अकाउंट में जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है उनको 2,000 रुपए की 3 किस्तें वो उनके अकाउंट में मिल जाएंगे, टोटल उनको 6,000 रुपए एक साल में दिए हैं वो जाएंगे। ये इसमें स्कीम का मेन मोटो यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये भी देखो इस बार के बजट में स्कीम है मोटो है वो यहाँ पे इसको लेके न्यूज है वो आई है। इसमें कंटेक्स्ट यह है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन है इसके लिए इस बार के बजट में 750 करोड़ रुपए हैं वो फंड के तौर पे प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन है क्या। देखो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है वो है गायों के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो हमारे देश में जो ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन था ये आया था एक्चुअली नेशनल प्रोग्राम फॉर बोविन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट, मतलब हमारे देश में जो दुधारू पशु हैं जिन्हें मेनली गाय का फोकस किया गया है उसकी ब्रीडिंग को एक तरीके से मतलब स्ट्रॉन्ग किया जा सके, इसके साथ जो दूध की क्षमता है उसको डेवलप करने के लिए ये स्टार्ट इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। अभी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखते हैं। देखो एक तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि हमारे देश की जो स्वदेशी जो गाय की ब्रीड है ना इनको कंजर्व है वो किया जा सके। और दूसरा इनका मेन मोटिव ये रखा गया है कि जो इस प्रोग्राम के थ्रू जो स्वदेशी पशु हैं इनकी ब्रीड की क्षमता है उसको डेवलप किया जाए, मतलब उनकी जो जेनेटिक मार्क मेकअप है इसको इम्प्रूव किया जाए, इसके साथ ही उनकी जो कैपेसिटी है इनको डेवलप है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है वो किया जाएगा। तीसरा यह है कि उनमें मिल्क प्रोडक्शन और जो उनकी क्वालिटी है इसको इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। चौथा काम इसमें क्या है कि जो मिल्क प्रोडक्शन है इसको इम्प्रूव किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे पांचवा काम यह है कि जो अब स्वदेशी ब्रीड हैं जैसे कि देखो ये आपको ब्रीड ध्यान रखनी है, यूपीएससी इन ब्रीड्स के बारे में पूछ सकती है गाय की ब्रीड है कौन सी है, गिर है वो गाय की ब्रीड है, सहवाल है वो गाय की ब्रीड है, राठी भी गाय की ब्रीड है और यहाँ पे देवनी भी गाय की ब्रीड है। और यहाँ पे अभी आपको ध्यान में रखना है कि थार प्रकार है वो भी गाय की ब्रीड है और जो रेड सिंधी है वो भी गाय की ब्रीड है। यूपीएससी आपको 4 ऑप्शन दे सकते हैं और उनमें पूछ लेगी कौन सी है वो इनमें गाय की ब्रीड है वगैरह। जिस तरीके से मुर्रा जो ब्रीड होती है वो आपको पता है किसकी होती है, ये होती है भैंस की नई फसल भैंस की नई एक तरह से जाती है वो होती है। तो आपको ध्यान रखना है यूपीएससी के बार ऐसे काफी सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेती है। और इसका जो लास्ट मोटो ये रखा गया है कि भाई जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की गाय है हमारे देश में उनको डेवलप किया जा सके और एक तरीके से उनमें कोई डिजीज फ्री गाय है वो डेवलप की जा सके, ये इसका मेन फोकस किया गया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन को इम्प्लीमेंट कौन करेगा। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है कि स्टेट है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जिस तरीके से लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है उनके द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन को डेवलप है या इम्प्लीमेंट है वो किया जाएगा। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है वर्ल्ड वेटलैंड डे। हर साल देखो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो मनाया जाता है। अब आपको पता है वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड तो देखो वो एरिया जो साल भर है वो उस एरिया में दलदल हो या एक तरीके से हम बोले कि वहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत पानी है वो जमा रहता है, एक तरीके से हम बोले कि वहाँ पे काफ़ी सारी स्पीशीज पाई जाती हैं वो एरिया होता है नॉर्मली दलदल वाला, उसको बोलते हैं वेटलैंड।
देखो आपको ये ध्यान रखना है कि 1971 में क्या हुआ था, 1971 में ईरान के एक जगह सिटी है जिसका नाम है रामसर, और वहां पे रामसर कन्वेंशन हुई थी और उसमें वेटलैंड को लेके बातें की गई थी और वेटलैंड को कंजर्व करने की बात की थी। क्यों? क्योंकि वेटलैंड में काफ़ी सारी स्पीसीज पाई जाती हैं फोना एंड फ्लोरा, इसलिए वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो हमारे इकोसिस्टम का अहम पार्ट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो ही वेटलैंड की बात है तो तुरंत दिमाग में रखना 1971 में 2 फरवरी के दिन ही रामसर वेटलैंड रामसर के अंदर वेटलैंड जो कंजर्वेशन को लेकर स्टेप उठाए गए थे वो वेटलैंड डे के तौर पे हर साल है वो मनाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक फैक्ट है मेंस के लिए, वो आप कहीं यूज कर सकते हो कि हर साल वर्ल्ड में जितने भी डिजास्टर आते हैं ना जो कि ह्यूमन के ऊपर मतलब इनका इफेक्ट होता है, उसमें 90% जो क्राइसिस होते हैं वो वाटर रिलेटेड ही होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और उसमें 60% जो क्राइसिस आते हैं वो तो आते हैं सुनामी की वजह से, जो फ्लड वगैरह आती है उसकी वजह से। तो वेटलैंड है वो हमारे इकोसिस्टम या फिर क्लाइमेट चेंज जो मिटिगेशन होता है उसका एक अहम पार्ट है, एक अहम की के तौर पे काम है वो करते हैं। और जो इस बार का वर्ल्ड वेटलैंड डे था उसकी थीम थी वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। लास्ट ईयर की तो कोई जरूरत नहीं है रटने की, इस बार की ध्यान रखना कि वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज है वो वर्ल्ड वेटलैंड डे की इस बार की थीम है वो रही थी। फिर एक छोटी सी न्यूज है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना कंटेक्स्ट के तौर पर, जो नस्तर मिसाइल है वो पाकिस्तान की मिसाइल है, शॉर्ट डिस्टेंस की सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, बैलिस्टिक टाइप की। बस यही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। यूपीएससी पूछ सकती है कि नस्तर मिसाइल कहाँ की है, आपको ऑप्शन दे देगी वहाँ पर रसिया इसराइल वगैरह जो भी, तो ध्यान रखना ये पाकिस्तान की कम डिस्टेंस की सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।